Hey guys, कैसे हैं आप? अच्छे होगे? नहीं। अब सोचा है मेरी एडिटिंग का तरीका थोड़ा हटके किया जाए, जो लोगों से अलग। तो गाइज, इस वीडियो में एडिटिंग थोड़ी हटके हो। चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि हम सब जानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है ये टॉपिक। इसलिए हम जिसको हमारी प्रॉब्लम समझ के बैठे रहते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास पहले से होता है कि नहीं, फिर भी हम किसी और से पूछते हैं जो हमसे ज्यादा ज्ञानी होता है। मजे की बात तो यह है कि वो इंसान जो सॉल्यूशन देता है, वो सॉल्यूशन आपको पहले से पता होता है कि नहीं? हुआ है ना आपके साथ भी ऐसा? लेकिन वह इंसान वही सॉल्यूशन देता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अब इन्होंने बोला है तो करूँगा और इससे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। बात तो सही है। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप संदीप महेश्वरी जी को तो जानते ही हो। उनके चैनल में कभी विजिट करो तो उनके शो के वीडियो में देखना, लोग कैसे सवाल पूछते हैं। लोग खुद कंफ्यूज होते हैं वो कहना क्या चाहते हैं, और कई सवाल तो ऐसे होते हैं जो कभी पूछने की जरूरत ही नहीं होती, वो सबको पता होता। जैसे कि किसी बंदे ने पूछ लिया, सर मेरे को ये बनना है लेकिन मैं अभी ये जॉब कर रहा हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ उसमें ज्यादा पैसे है लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, तो मैं क्या करूँ? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई ये क्या सवाल है, तू कहना क्या चाहता है? तेरा जो पैशन है वो कर, इसमें लोगों से क्या पूछूं? मैं अपनी जॉब और जो बनना है दोनों का फ्यूचर पहले से पता है, तो जिसमें ज्यादा अच्छा फ्यूचर है वो चीज कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओवरऑल स्टोरी पॉइंट ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो दूसरों पे ज्यादा डिपेंड मत रहो कि वो आके सॉल्यूशन दे। पर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसमें आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिसमें आप किसी और की राय जानना चाहते, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उस पॉइंट पे एक बार डिस्कशन जरूर करें। मैं भी एक यूट्यूबर, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।